when it comes to India versus Pakistan, obviously be a high voltage match. Excited to see what the outcome is. So which players are you expecting today? There will be a great show today from you. Obviously, Kohli. That's an obvious pick in any India versus Pakistan game. And then I hope to see some good swing from Shahid Afridi. And then I guess. So some cricketers are saying Babar will give a good movement today. So what do you expect? Nah. With Bumrah in the lineup, I don't think that'll happen anytime soon. So what are you expecting from today's match? It will be any close encounter or it will be a Pakistan lead? See, it might be a close encounter, but India for sure. They'll win for sure. So about yourself? I'm Tilak. I'm a fast bowling all-rounder. Thank you. Mani sir. Mani, especially India versus Pakistan. India versus Pakistan as a game has been always looked forward to. It's the biggest rivalry in the cricket that we have been watching ever since we have grown up playing this game. It's wonderful to see great cricketers taking on and playing for the country. The excitement, we're looking for a very nail-biting finish, not a one-sided game. We want a good contest today and we definitely want India to be on top and win the game. के नाला रोड में जिस तरह से आज भारत पाकिस्तान का मैच है, हवन पूजन कर माँ से आशीर्वाद मांगे हैं कि भारत वर्ल्ड कप आज पाकिस्तान को धूल चढ़ाने का काम करे इंडिया, और फिर से वर्ल्ड कप भारत में आज जिस तरह से 2011 में हमारी टीम वर्ल्ड कप जीत के भारत लाए हैं और 2023 में भी जीत के लाएंगे भारत। आज पूरा उत्साह है, हम लोग रात में भी तैयारी कर रहे हैं जश्न मनाने के लिए, पाकिस्तान को हरा कर फिर से हम लोग पटाखा गुलाल मिठाई बांटने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मजबूत तो दोनों ही है, लेकिन अब हम लोग भारतीय हैं तो सपोर्ट तो भारत का ही करेंगे और चाहते भी है, क्योंकि भारत 2011 में लास्ट वर्ल्ड कप जीती थी, तो चाहते हैं कि जो दो जीते हैं वो मोमेंट को बनाए रखे और अपना ये तीसरा मैच जीत कर और मतलब मोमेंट बनाए रखे। तो मजबूती की बात करें तो भारत है, बैटिंग लाइनअप भारत की अच्छी है और बॉलिंग लाइनअप भी, और पाकिस्तान क्या है कि उसका बॉलिंग लाइनअप ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू बैटिंग लाइनअप। तो लगता है कि भारत ज्यादा पलड़ा भारी है भारत का, और हम भारतवासी हैं तो भारत को ही सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, वो अच्छे बॉलर है शाहिद अफरीदी, बोले हैं तो अच्छी फॉर्म में रहेंगे तो कहीं ना कहीं विकेट ले भी सकते, नहीं तो एक दो विकेट लेंगे क्योंकि अच्छा बॉल डालते हैं। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा कहीं 10 ओवर खेल गए, आज कहीं सुमन गिल फिट हो जाते हैं तब तो ओपनिंग साझेदारी यदि 100 रन की हो गई तो 400 प्लस रन बनेगी, तब कोई पाकिस्तान का बॉलर नहीं बचेगा। कम से कम उम्मीद है भारत अच्छा स्कोर दे, पहले बैटिंग करते हैं तो, और भारत अच्छा से मैच खेल के जीते। पाकिस्तान के खिलाफ तो रोमांच भरा मैच ही होता है, एकदम फैंस उत्साह रहते इस मैच को देखने के लिए। आज हम लोग भी बहुत उत्साह है, आज जाके रूम पे केवल यहाँ से एकेडमी से जल्दी जाके एकदम मैच को एंजॉय करना है, एकदम चेयर अप करते रहना है रूम में भी बैठ के। हम लोगों को मौका तो नहीं मिलता अभी एक स्टेडियम जाने का, लेकिन बहुत चेयर अप करेंगे, मैच पूरा रोमांच भरा देखेंगे। हाँ, भारत तो को पूरा सपोर्ट है, इंडिया अच्छा खेलेगी मैच जीतेगी, मैच रोमांच भरा होगा।